नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रावण माह के कामिका एकादशी का महात्म और एकादशी की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है जो हर पापों को नष्ट करके उनसे मुक्ति दिलाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। भगवान बोले कि मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान से सुनो, श्रावण माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम पवित्रा और कामिका एकादशी है। उसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और कामिका एकादशी भी कहते हैं। उसमें उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन भगवान श्रीधर, हरि, भगवान विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि में बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीधर की पूजा करते हैं और उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा करते हैं, अतः मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल की पूजा करने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसको जन्म भर के सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। वह उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली अतः सभी मनुष्यों
को इस व्रत को करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमन्नारायण।